मध्य प्रदेश के रतलाम जिला मुख्यालय से 24 किलोमीटर दूरी पर स्थित गांव बेरछा ढिगवा की प्रसिद्ध पहाड़ी, जिस पर मां अम्बे जगत जननी की प्राचीन सिद्ध चमत्कारी प्रतिमा विराजमान है। इस प्राचीन मंदिर के पीछे महंत श्री 1008 श्री रामपुरी जी महाराज ने संवत 1664 में जीवित समाधि ली थी। इस मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है वह दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। सुबह बाल अवस्था, दोपहर युवा अवस्था और सायं को वृद्धा अवस्था में भक्तों को दर्शन देती है। माता रानी का अद्भुत चमत्कारी मूर्ति का सुनते ही कई भक्त माता के चरणों में आ रहे हैं और माता रानी से जो भी भक्त सच्चे मन से अपनी मन्नत मांगता है माता रानी उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। इस प्राचीन मंदिर के दक्षिण में लगभग 400 फीट दूरी पर एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला है जिसको किसी वस्तु से चोट मारने पर उसमें से घंटी बजने जैसी आवाज़ आती है, जिससे जो भी भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आता है तो भक्त पत्थर को बजाने के लिए जाता है। भक्तों को ये माता रानी का चमत्कार ही लग रहा है। इस मंदिर पर सावन सुदी 11 पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। यह मेला इस पहाड़ी पर कई वर्षों से लगता आ रहा है। इस प्राचीन मंदिर पर हर नवरात्रि में कन्या भोज एवं भंडारा होता है। यहाँ पर प्रतिवर्ष पंडित दिनेश व्यास खाचरोद वाले द्वारा श्री दुर्गा सप्तशक्ति पाठ किया जाता है, जिसमें ग्रामीण जन एवं दूर दराज के भक्त जन भाग लेते हैं। रतलाम से राहुल बैरागी की रिपोर्ट। नाम आपका? मुकेश पोरवाल। क्या इस मंदिर की क्या विशेषता है? ये करीब 607 साल पुराना मंदिर है और यहाँ श्रद्धालु बहुत आते हैं रतलाम से, आसपास से 40-50 गांवों के लोग यहाँ आते हैं और माता नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है और यहाँ पे हमेशा भंडारा किया जाता है और गांव के लोगों की अच्छी श्रद्धा है। यहाँ आसपास के गांव के लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं और पूरी भी होती है माता जी की नवरात्रि में। क्या नाम है आपका? घनश्याम चौहान। कब से आ रहा है यहाँ पर, क्या विशेषता मंदिर? वर्षों से आ रहा हूँ मैं और मंदिर की विशेषता यह है कि बहुत पुराना, लगभग 700-800 साल पुराना मंदिर है और यहाँ के महंत श्री रामपुरी जी 1008 रामपुरी जी जिन्होंने 1664 संवत में जिंदी समाधि ली थी और मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे दिल से सच्चे मन से यहाँ पर आता है अपनी मनोकामना पूरी होती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वासुदेव पुरी गोस्वामी है। माता जी को पूजा भी यहाँ विशेषता इस मंदिर की? यहाँ पे जो भी दर्शनार्थी आते हैं सच्चे मन से जो भी भावना लेके आते हैं उनकी समस्त मनोकामनाएं माँ भगवती पूरी करती है। इस मंदिर के पीछे करीब करीब लगभग 500 साल पुराना 1664 के लगभग एक जिंदा समाधि ली हुई है गुरुजी ने, जो यहाँ के पुजारी थे। और इस मंदिर से दक्षिण में एक ऐसा पत्थर है जो किसी भी पत्थर से उसको कूटने पर उसकी आवाज एक धातु की तरह आती है। अन्य पत्थर ऐसी आवाज नहीं निकालते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।